आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त तहसीलदार निगाह मेडिकल कॉलेज के डीन एजुकेशन हब सर्वे करने आएंगे। खबर है कोरबा से, जहां दर्री मेडिकल कॉलेज को शाही मुंडी एजुकेशन हब में खोलने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन ने प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त कर दिया गया है। सुबह से चल रहे चक्काजाम आंदोलन स्थल पर शाम ढलते ही भीड़ और बढ़ गई थी। इसे देखते हुए कटघोरा तहसीलदार मौके पर पहुंचकर समझाइश और आश्वासन दिया कि स्टेट लेवल की टीम और कॉलेज के डीन आकर एजुकेशन हब का निरीक्षण करेंगे। अगर सभी मापदंड सही पाया जाता है तो कॉलेज को सेफ्ट करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही हड़ताल समाप्त हुई। दर्री क्षेत्र के लोगों ने मेडिकल कॉलेज को एजुकेशन हब में शिफ्ट करने का जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस कड़ी में बुधवार को दर्री डैम के समीप चक्का जाम किया गया और चक्का जाम की वजह से कटघोरा गोपालपुर कोरबा आने वाले जाने वाले लोगों पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन की भीड़ देखते हुए पुलिस प्रशासन सुबह से ही मौके पर तैनात रही, इससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त हुई। मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है तो यहाँ के दर्री वासियों ने एक मांग रखी शासन के समक्ष, जो मेडिकल कॉलेज है वो दर्री या एजुकेशन हब या उसके आसपास खोला जाए, उस संबंध में उन्होंने चक्का जाम किया था, जिसको उनको समझाइश देकर उनसे मांगों को शासन स्तर पर हम भेजा जाएगा। और उन्होंने अपना आंदोलन इस आश्वासन का खत्म किया है कि कल मेडिकल टीम में वहां से मेडिकल कॉलेज बिलासपुर सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि ये रोड को खाली करें और वो सामने में जो पार्क दिख रहा है उसमें चले। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि रोड को तुरंत खाली करें और वो गार्डन में चले। आप लोगों को जब तक ताकि ट्रैफिक से बदले में आंदोलन था, लोगों को लगा पुलिस प्रशासन को कोई भी असुविधा न हो। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि तुरंत रोड खाली करके लगा कि हाँ पार्क में चले। मांग पूरी हुई कि सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है रोड को तुरंत खाली करके सामने वाले पार्क में चले। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि रात के खाने की भी तैयारी कर ली गई थी तो वहाँ खाने की व्यवस्था है, खाना खाकर ही। देखिए हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को एजुकेशन हब में विजिट कराया जाए, उनको वो बिल्डिंग दिखाई जाए, उसके बाद वो अगर कुछ कहते हैं कि अनाउंस में नहीं आती है, अनाउंस में आती है हमारे साथ विजिट करें और उसके बाद वो बोले कि अनाउंस में आती है नहीं आती, तो ये हमारी पहली मांग थी। तो जिसको कि अभी बहुत देर बाद प्रशासन ने माना है, कल बिलासपुर से एक टीम आ रही है और यहां से डीन सर जो है वो जाएंगे हमारे साथ में और हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा उनके साथ में। एजुकेशन अब हम लोग विजिट करेंगे, उनको पूरा दिखाएंगे, यहां से जो डिस्टेंस है जैसा कि भारत सरकार के राजपत्र में लिखा हुआ है कि 100 बिस्तर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से कम या 30 मिनट में वो यात्रा को तय करने की क्षमता होना चाहिए, तो हम दिखाएंगे कि 30 मिनट के अंदर हम लोग 100 बेड हॉस्पिटल से एजुकेशन हब तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो एजुकेशन हब है, जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो आहर्ता है तकनीकी रूप से, वो पूरी की पूरी से ये करता है, पूर्ण करता है। सर ये सबसे लंबी ये आज सड़क जाम हुई है, क्या कारण है कि प्रशासन सुन नहीं रही है? देखिए प्रशासन तो 40 सालों से हम लोग पे अत्याचार कर रहा है, कोरबा पश्चिम जो है इस पे 40 सालों से अत्याचार हो रहा है। यहाँ जो जो प्रोजेक्ट आने थे सारे के सारे कोरबा चले गए, क्या वहाँ सारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं, प्रशासन वहाँ बैठा हुआ है, उनको हमारी चिंता नहीं है। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने एस डैम के लिए, मूल निवासियों ने अपनी जमीनें दी है, आदिवासियों ने अपनी जमीनें दी है, किस एरिया में रहते हैं सारे आदिवासी आप देखेंगे तो नदी के इस पार से लेकर के कटघोरा पाली और पोड़ी उपरोड़ा में रहते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। धनराश में लोगों के घर में एक एक इंच की राख जम जाती है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहाँ होना जरूरी है या कोरबा में जहाँ साधन संपन्न लोग रहते हैं, जहाँ ऑलरेडी 100 बेड का अस्पताल है, ट्रामा सेंटर है, प्राइवेट कॉलेज भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, और तो और जो मजदूरों के लिए ESIC हॉस्पिटल आना था उसको भी ये लोग 2 साल पहले उठा करके कोरबा में लेकर गए। कितनी बड़ी साजिश है, कितने सालों से हम लोग पे अत्याचार हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं आंदोलन को करें बताइए। चक्का जाम खत्म करने के लिए जो अभी आश्वासन दिया गया है इससे कितना सहमत है, आगे की रणनीति क्या होगी इसकी? देखिये पहली मांग तो प्रशासन ने हमारी मानी है कि वो हम लोगों के साथ वहां विजिट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है विजिट करने के बाद और उतनी बड़ी बिल्डिंग देखने के बाद उनमें से कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। मुझे लगता है मीडिया के सभी लोगों ने भी वो जगह देखी होगी, तो मुझे इसमें काफी पॉजिटिव ये है कि और हमारी पूरी टीम को कि मेडिकल काउंसिल की टीम जो है निश्चित तौर पर हाँ बोल करके जाएगी। अगर नहीं बोल के जाती है किसी और कारण से वो लोग कोरबा में रखते हैं, तो भी जो परमानेंट मेडिकल कॉलेज बनना है
वो हम कोरबा में कोरबा शहर के पास तो नहीं बनने देंगे। दर्री से लेकर कटघोरा के बीच में आप जगह चिन्हित कीजिए, यहाँ बनाइए, कोरबा जिले में ही होगा। लेकिन सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कोरबा शहर का विकास हो रहा है, वहीं के लोग सब कुछ सुविधा का लाभ ले रहे हैं और हम लोग पे अत्याचार करते रहे, ये आगे नहीं होगा। दर्री क्षेत्र जनता के साथ चलावा संदेश तो पूरी जनता ने दिया, दिन भर बैठा करके पूरा कोरबा हम लोगों ने बंद कर दिया यहाँ पे, इससे बड़ा और संदेश क्या लेंगे। यही चलावा अगर आपने परसों भी किया, हम लोग फिर बंद करेंगे पूरा दिन भर, अनवरत चालू रहेगा, भूख हड़ताल पे बैठेंगे अनिश्चितकालीन प्रशासन के अड़ियर। यही तो घमंड हमको उनका तोड़ना है, उनको ये लगता है कि कोरबा पश्चिम के लोग कुछ नहीं कर सकते, एक एक करके सारे प्रोजेक्ट चले गए। देखिए ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पर आने वाला था कोरबा पश्चिम में, कोरबा चला गया, ईएसआईसी का हॉस्पिटल कोरबा चला गया, आरटीओ गोपालपुर में आना था कोरबा चला गया। उन्हें लगता है कि वो ऐसी सारी सुविधाएं यहां से ले जाएंगे और हम लोग चुपचाप बैठ रहेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। हो सकता है हम लोग 20-30 साल सोते रहे लेकिन अब जाग गए हैं, आज के बाद तो ये नहीं होगा, ये निश्चित है। आप सब लोगों ने देख लिया सर्वदलीय ये प्रोग्राम था, भाजपा कांग्रेस सारे के सारे लोग यहां पर थे, आम पब्लिक भी यहां थे, कोई भी यहां पर जो है पैसे देकर बुलाई हुई पब्लिक नहीं थी, आम पब्लिक यहां पे थी। आप ये मान के चलिए जनता जाग चुकी है, पूरा का पूरा दर्री बाजार पूरा पूरा जेलगांव स्वतः स्फूर्त बंद था, एक भी दुकान नहीं खुली थी, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और ये संदेश तो प्रशासन को जा चुका है, उनका घमंड टूटेगा ये निश्चित है।